ए हाय, दिस इज दिल लगी महादेव महादेव, जय श्री केदार। आज इस वीडियो में ना आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शन के मेथड से कैसे प्राइस को समझना है, ठीक है। और आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी में, तो किस रिगार्डिंग मैं इस मार्केट को समझा और कैसे मैं पुट साइड अपना ट्रेड प्लान कर रहा था, क्या देख के कर रहा था और क्या गेन मिला, ये सब चीज़ बताऊंगा। वीडियो को सेव कर लेना, जब टाइम मिले तब आराम से देखना, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, जो ज़्यादा लॉस बुक कर रहे हो जीरो टू हीरो में, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी ये गलती में परिवर्तन लाए और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटा मोटा उनको भी लॉस ना हो और प्रॉफिट में हो, कन्वर्ट हो, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो आते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे, ओके। पहली चीज, आज अपना कल 12 था, ठीक है। तो 12 तारीख को मार्केट 800 से क्यों गिरा था, ये आपको मैं कल ऑलरेडी बता दिया था कहाँ पे, यूट्यूब पे, आप टेलीग्राम पे आप वीडियो देखे रहोगे, इंस्टाग्राम पे भी डाला था। 847,800 से मार्केट क्यों गिरा, सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ से गिरने का रीज़न क्या था। ये 12 तारीख का है जो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट किया था, भाई मेरा पुट साइड पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉल साइड वाले सेफ हो जाओ, बच गए जिसको बचना था। और पुट साइड में मार्केट में ऐसी रैली आई, ये ट्रेड पकड़ने का सीधा एक ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप देखो सीधा एक आ रहा है, क्या आ रहा है ये देखो, ज़्यादा कुछ नहीं। जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो उसके नीचे कितना भी अच्छी बाइंग आया हो, यहाँ पे जो इतनी अच्छी बाइंग दिया था ना मार्केट ने, ये पॉइंट पे देखो, ये जो यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग दी थी मार्केट में, चलो समझो सपोज दैट आप यहीं पे ट्रेड लिए हो 200 रुपये में, कॉल साइड का प्रीमियम लिए हो, अब 200 वाला 400 गया, तो आप भाई 400 को क्या 500-800 सोचोगे, आप सेल तो करोगे ना अपने क्वांटिटी को। तो वो सेलिंग जोन यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे आपका साइकोलॉजी आपको बोल रहा है ना भाई हो गया डबल फंड, हो गया आप सेल कर रहे हैं, वहाँ पे ही देखो ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड लाइन पे एक इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन है, ऐसे नहीं कि हल्के में, 2 दिन का टाइम फ्रेम है, 3 दिन का टाइम फ्रेम है, सॉरी 3 दिन कंटिन्यू जो सेलिंग जोन था उसके हिसाब से मैं बनाया हूँ ट्रेंड लाइन, ना कि 2-10-5 मिनट में बनाया हूँ, ये जो है 3 दिन का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट हालांकि उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, जो मार्केट को ध्यान से देखना, 3 दिन के टाइम, 3 दिन का जो मार्केट का हाई था सेलिंग का, ये बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ध्यान से समझना। अब मार्केट में 3 दिन से क्या है, सेलिंग है, देखते रहो, है ना। तो यहाँ पे जो सेल किया रहेगा, यहाँ पे मार्केट को जो इंडेक्स सेल किया रहेगा, ये यहाँ पे, फिर वो मार्केट का जब मार्केट नीचे गया वो अपना SL यहाँ रखा होगा, फिर मार्केट नीचे गया तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास SL रखा होगा, ठीक है। तो हालांकि क्या होता है, ट्रेंड लाइन देखो, जो ज़्यादा करके ना ऑप्शन सेल करता है ना, वो ज़्यादा करके ना चार्ट पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेलता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है 3 दिन के हिसाब से, गुरुवार का सेलिंग है, मंडे का सेलिंग है, तो उस हिसाब से सेलिंग दिखाता है। इसलिए मैं 12 तारीख को सिंपल सा कहा गया, ये यहाँ पे मंगलवार को ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग देगा, और एज इट इज़ ये मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे, आप सबको याद होगा, देखे रहोगे तो, और किसी और टेलीग्राम पे रहोगे तो नहीं देखे रहोगे, वो आपकी, ठीक है। यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और यहाँ पे 350 वाला प्रीमियम पे नज़र रखे थे हम लोग, 48,000 का पुट, ये भी मैं बोला था, जाके चेक कर लेना कुछ 10:30-11 बजे का अपडेट है 12 तारीख का। और फिर वहाँ पे 350 से 1000 का प्रीमियम हाई, 700 रुपये इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन हमारा टारगेट 100 का था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आज का बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो और एक ट्रेड पकड़े थे यहाँ पे पुट साइड में, हालांकि अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखते ही रहोगे। आज की बात करता हूँ, अब आज मैंने क्या देख के, भाई साहब आ जाओ, आज का क्या अपडेट था सर, लाइव मार्केट में रात को, हालांकि मैंने, क्षमा चाहता हूँ, 2:30 बजे मैंने अपडेट कर दिया था कि आज मैं अपडेट कुछ नहीं कर पाऊँगा, लाइव मार्केट में आपको अपडेट हुआ। तो लाइव मार्केट में अपना अपडेट क्या था, जो 400 का रेजिस्टेंस था लाइव मार्केट में, और 47,150 का सपोर्ट था। चलो मार्क आउट कर लेते, 14 तारीख का है ये,
ठीक है, हमारा सपोर्ट क्या था 150, ठीक है 47 150, कहाँ गया भाई ये 150, ठीक है रेजिस्टेंस क्या था 400 लगभग ये, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या बेस कर रहा है, अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। ओके, कॉल साइड मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है, सेफ रहो, मैं पुट देख रहा हूँ। अब मैं इतना ही इंडिकेट कर सकता हूँ भाई, बाकी समझदार इंसान ट्रेड को समझ सकता है मैं क्या देख के बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए ये सोच के आए हो ना सर कि बस प्रॉफिट चाहिए, कहाँ घुसूँ कहाँ से निकालूँ, गलत तरीके में आए हो। फिर आपको सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा, कोई आपसे, आप किसी को वेरीफाई कर रहे हो, बंदे के पास नॉलेज है तो उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करो। अगर मैं वहाँ पे लिखा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड है, थोड़ा पुट साइड देखो, तो कुछ सोच समझ के लिखा रहूँगा, ठीक है। अब आते पुट साइड में मेरा ट्रेड क्या था, लगभग 10:30 की बात है, ठीक है। प्राइस क्या था अपना, ये रेंज बॉन्ड में था, अपने को बाय करना था 335 के ऊपर भी एक ट्रेड था और 100 रुपये पे भी बाय करना था, क्या था 47 400 का पुट, 47 400 का पुट। ये देखो कहाँ गया 10:30 का टाइम, ये देख सकते हो आप, ये रेंज बॉन्ड था 135 की दर है, 130 135, ये देखो ठीक है सी आया राइट। उसके बाद मार्केट देख सकते हो कहाँ गया कैसे गया, आप खुद चेक कर सकते हो, वेरीफाई करो, किसी के बाद में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। टाइम के हिसाब से आप अपने चार्ट में भी देख सकते हो, ठीक है सर। ये मैं कैसे निकाला था, ये देखो कितने बजे निकाला था ट्रेड अपना, लगभग टाइमिंग क्या था 10:30 के रेंज में ना, आ जाओ ये 10:30 का रेंज, एक से ना 300 का लेवल, ओके देखो अब प्राइस मॉर्निंग में मार्केट खुला कहाँ, गैप अप में खुला, ठीक है। गैप अप में खुलने के बाद मार्केट में आ गया सेलिंग, सेलिंग के बाद फिर अप आ गया। ये जो अप आया था ना ये वाला, एक्चुअली में ये सिर्फ ना कॉल वाले को ट्रैप करने का एक मिशन था और हुए भी रहेंगे, कमाने वाले लोग ने कमा के निकल लिया। कमाया कौन रहेगा पता है, जिन्हें ये इस ट्रैप के जो पार्ट हुए रहेंगे, मतलब जैसे कि ये ट्रैप हो रहा है, इसमें देखो कोई भी एक मोमेंटम आता है ट्रैप वाला ना, उसमें के दो पहलू होते हैं सिक्के के हिसाब से, एक होता है ट्रैप वाला पहलू तो एक होता है दिमागदार वाला। दिमागदार वाला अक्सर कमा के निकल लेगा, और जो प्राइम के भरोसे किसी के बैठे या फिर किसी के मैसेज के थ्रू बैठे वो ऐसा ट्रेड नहीं पिक कर पाते। इसलिए अक्सर प्राइम वाले या फिर किसी के अपडेट के हिसाब से चलने वालों का यहाँ पे लॉस होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सिंपल सा सेलिंग साइड मैं सेलिंग का ही देख रहा था, कॉल साइड फिर वो 50 का 500 हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड है भाई, फिर पुट में ही जहाँ हमारा नज़र वहीं हमसे हमको चाहिए, दूसरी जगह जाके ये आगे चल के नहीं करना है कि भैया गलती हो गई यार, ये गलती ऐसा बार बार बोलते रहोगे तो कितना गलती करोगे पूरी ज़िंदगी गलती करने के लिए। अगर ये गलती तो मेरे से बहुत स्टार्टिंग में हुई है तो उस गलती को सुधारने के लिए ही मैं रूल बनाया हूँ। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग साइड है तो मैं पुट ही देखूंगा, कॉल की माखी आँख एकदम सिंपल। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू और वही मेरा कॉन्फिडेंस और वही मेरा रूल मुझे आज कॉल से ट्रैप होने से बचाया, ठीक है। पुट साइड में अपने को यहाँ पे एक एंट्री मिली, हालांकि अच्छी खासी मिली, सेकेंड पुट की एंट्री आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट फुल साइडवेज में था, क्या था अपना लेवल अपडेट, ये देखो लेवल क्या अपडेट है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि 47 150 का ये रेंज है ना बहुत बोरिंग कर रहा है, कहाँ गया दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं सब चार्ट को डिलीट कर दूँ सर, एक सेकंड ना, मैं कर रही हूँ 47 170 ये एंड 40 ये एरिया जो बॉन्ड है ना ये लगभग देखो ये
मैं बताता हूँ, 0 to 0 का भी दिक्कत मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब आपको अपडेट करूँगा। ये देखो ठीक है, अब ये एरिया में अब लिखा क्या है ध्यान से पढ़ो आप। सपोर्ट क्या है 4740 का, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट है 850, ध्यान देना सर 850। रजिस्टेंस है 170 का, अगर ये ब्रेक होता है तो, इफ लिखा इफ ध्यान देना तो, ओके नेक्स्ट 730, 47300 राइट, आपके सामने वही सब लेवल है। ओके एक था अपना 850 ये देखो 850 यार। मार्केट ने कितने बजे ब्रेक किया, ब्रेक रिट्रेसमेंट कितने बजे, 2:05 राइट, ब्रेक रिट्रेसमेंट 2:05 ये देखो 47100 किस पे नजर है, 100 फुट पे 47100 का 1:47 पे, ये देखो किधर गया 47, ये देखो 1:02 का खबर है, ये देखो देख सकते हो आप, अब जिसको रिस्क लेना था उन्होंने लिया, अपना बाइंग पॉइंट क्या था किधर गया सर, 80 से 90 हाँ 70 से 80 था ठीक है, उसके बाद जिसको लेना था वो लिए, जो मतलब देखो अपना काम कैसा है बाबा पता है क्या, जब एकदम सही ट्रेड मिल रहा हो ना तो बिंदास आप प्राइस के लिए वेट कर सकते हो, और हालांकि मैं वेट ही करता हूँ प्राइस के हिसाब से, मैं प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ, मैं घाई नहीं करता क्योंकि मुझे प्रॉफिट से पहले ना अपने फंड को सेफ करना है, भले वो कुछ भी हो, नहीं कमाऊंगा एक दिन चलेगा, लेकिन जब एक दिन लॉस होता है तो नेगेटिविटी आ जाती है, लॉस भी हो जाना चलेगा लेकिन नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, और एक बार नेगेटिविटी आ जाती है ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है, तो वो टूटे ना नेगेटिविटी ना आए, इसलिए मैं अक्सर ये करता हूँ कि ना मैं ना कमाऊँ चलेगा, नहीं ट्रेड करूँ चलेगा, बट कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, यही चीज़ मैं फॉलो कर करके ना अपने ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म किया, एक एक दिन में 80-80 ट्रेड किया हूँ, 90-90 ट्रेड स्टार्टिंग में। आज ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ट्रेड ही नहीं करता वीक में, आप भरोसा नहीं मानोगे, दिखा दूंगा कभी अच्छे से आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, हफ्ते में एक दो बार एक ही दो दिन ट्रेड करता हूँ, बाकी दिन बैठा रहता हूँ, नहीं भाई मतलब अंदर से ना वो ख़त्म हो गया है कि हर जगह ट्रेड करने का, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू पता है, ईयर मंथली 10% प्रॉफिट निकाले यार, अगर मेरे अकाउंट में 1,00,000 फंड है ना 10,000 भी प्रॉफिट निकल जा रहा तो मेरे लिए इनफ है, 10,000 मंथली ऑप्शन ट्रेडिंग है ये मत सोचो 1,00,000 का 1,00,000 बन जाएगा, बनता है लेकिन उनका ही बनता है जो 1,00,000 पे ना 50,000-60,000-80,000 का रिस्क ले सके, क्या आप ले सकते हो, पहले अपने रिस्क को एनालाइज करो कि आप उतना कैपेबल हो, ऑप्शन ट्रेडिंग है खतरनाक खिलाड़ियों का गेम है ये, बिजनेस है ये, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आप फंड डबल कर लोगे, मैं नेगेटिविटी नहीं कर दे रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अपना सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मार्केट ये पॉइंट पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा था ठीक है, हल और टाइम स्पेंड करने के बाद अपना सिंपल सा जो लेवल ब्रेक करेगा उस साइड हम एंट्री बनाएंगे, तो जिस साइड लेवल ब्रेक किया उस साइड आपको एंट्री देखने को मिली, हालांकि आज ट्रैप हुए रहेंगे लोग कॉल साइड में, जो कि मैंने कॉल साइड में अपना एक भी ट्रेड नहीं रखा था, ना ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था स्टार्टिंग से, ऐसे ही होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल रखो। अब आते जीरो टू हीरो की बात, जो लोग बोलते हैं मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता बट फिर भी लोग करते हैं, लोगों के हित में, लोगों को हित में से जागृत करना अपना काम है, आपको पहले एनालाइज करना है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग, मॉर्निंग से अपने को क्या था सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ठीक है, आपको फिर क्या करना है ना पुट का प्राइस कम होने दो, पुट का प्राइस कम होने दो और ज़्यादा भी आउट ऑफ मनी मत चले जाओ, अगर बैंक निफ्टी 47,000 चल रहा है तो 47,000 के ही पुट में ही रहो कॉल नहीं, पुट में ही, अगर सेलर प्रेशर ज़्यादा लगा रहे तो, और कॉल बायर ज़्यादा प्रेशर लगा रहे तो 47,000 पे मार्केट है तो आपको 47,000 के कॉल में एट द मनी पे रहो, प्राइस कम होने का इंतजार करो, आपको खुद मोमेंटम दिखेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा देख लेना, लेवल क्या था यहाँ पे 47 ठीक है, चलो ये क्या 47,100 47 पे चल देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी 47 खोल दो भैया, ये किया गया 47
कितने बजे ब्रेकआउट दिया वहाँ पे, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट टाइम 2 बज रहा है, ये देखो कितना बज रहा है, 2 बज रहा है ना, 55 रुपया, कितना 55, 50-55 क्या हाई मारा है, मुझे नहीं दिख रहा, एक सेकंड, हाँ 200 का हाई मारा है, देखे सिंपल। अब इसी टाइम गलती क्या करते लोग, कॉल पुट, मार्केट अगर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखा दिया है कॉल साइड 0-0 बनेगा, थोड़ा सेलिंग दिखा दिया है पुट साइड बनेगा, पुट साइड एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक माइंडसेट, बात खत्म। ये एटीट्यूड रखो, हर जगह मुंह मारोगे तो घर का भी चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना मेरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर 10 जगह मुंह मारोगे तो जो आपका है वो भी आपसे दूर हो जाएगा, एक जगह मुंह रखो अपना तो जो आपका है वो भी आपसे मोहब्बत करेगा। हरर महादेव, जय श्री केदार, ख्याल रखो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, इस पागल इंसान को वहाँ पे भी फॉलो कर लो, रेगुलर आता रहूँगा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने। हरर महादेव।